12 रबीउल अव्वल का महीना इस लिहाज से दूसरे महीनों से मुमताज है कि अल्लाह ताला ने इस महीने में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। इस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आपकी आमद की बरकत से दुनिया में एक अजीम इनकलाब बरपा हुआ। वो ज़माना जाहिलियत जो नबी के दौर से पहले था और जिसमें जहालत की वजह से इल्म नबूवत से महरूमी की वजह से इंसान अजीब व गरीब काम करते थे, औलाद को ख़ास तौर से बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे और शराफत नाम की कोई चीज ना थी। इंसान कहने और देखने को इंसान जरूर था लेकिन अपनी हरकत और सकनात के लिहाज से वो इंसान नहीं बल्कि इंसान नुमा जानवर था। अल्लाह ताला ने इंसानियत पर एहसान फरमाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाकर उनकी हिदायत का रहनुमाई का इंतजाम फरमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कयामत तक आने वाले इंसानों के लिए अल्लाह ताला का अजीम एहसान है अपने बंदों पर। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत को, आपकी नबूवत को अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान में मोमिनीन पर एहसान से ताबीर फरमाया है। फरमाया गया लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूला, अल्लाह ताला ने इंसानों में जो अपना नबी पैदा फरमाया, नबी मबूस फरमाया, ये अल्लाह का मोमिनीन पर अपने बंदों पर बड़ा एहसान है। तो हमें अल्लाह ताला के इस एहसान की कदर करनी चाहिए और वो कदर क्या है कि नबी से सही मानों में हम अकीदत रखें, मोहब्बत रखें, उनकी इताअत को, उनकी फरमा बरदारी को लाजिम तसव्वुर करें और हर उस काम से बचें जो अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की मर्जी और मंशा के खिलाफ हो। 12 रबीउल अव्वल का महीना जब आता है तो आप देखते हैं कि जुलूसे मोहम्मदी के नाम से जुलूस निकाले जाते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं और ये वो चीज है जिसकी शरीयत में इजाजत नहीं है, गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज होती कि नबी के आमद के दिन को मनाया जाता, जश्ने ईद मीलादुल नबी के उनवान से, जुलूस मोहम्मदी के नाम से, तो जाहिर है कि सबसे पहले ये काम हजरत से सहाबा करते, ताबईन करते, तबे ताबईन करते, बाद के जमाने के लोग करते। लेकिन सदियां इस तरह गुजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद और फिर आप की दुनिया से रहलत फरमाने के बाद कि नबी की विलादत का दिन आया मगर जश्न के नाम से दुनिया में कहीं कोई महफिल नहीं जमाई गई। तो मालूम हुआ कि ये चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके मनाई जाती है, की जाती है, ये जायज नहीं बल्कि ये बिदत के जुमरे में आता है। बिदत कहते हैं एक काम को दीन समझकर करना,
اور جبکہ اس کا دین سے تعلق نہ ہو۔ دین سے غیر متعلق چیز کو دین سمجھ کر کرنا اور اس کے کرنے کو لازم اور ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے، اور بدعت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ بدعت رنگ بدلتی رہتی ہے، اس میں تغیر اور بدلاؤ آتا رہتا ہے۔ اب جشن عید میلاد النبی ہی کو دیکھ لیجیے، کل جب یہ دن گزرا ہے تو بہت سے ویڈیوز اور بہت سی خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی، بہت سے ایسے ویڈیوز اس وقت گردش کر رہے ہیں کہ جن میں جلوس محمدی میں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ان ریلیوں میں، ان جلسے جلوسوں میں باقاعدہ ڈی جے بجائے گئے ہیں، اور بہت سی جگہوں پر میوزک کے ساتھ نعتیں سنی اور سنائی گئی۔ اب یہ میوزک اور یہ ڈی جے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی شریعت میں کہیں سے کہیں تک گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جس طرح بارش کا پانی جب برستا ہے آسمان سے زمین پر اترتا ہے تو زمین سے سبزہ اگاتا ہے، گھاس اگاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب گانے کی آواز، میوزک کی آواز، ڈیجوں کی آواز آدمی سنتا ہے تو اس سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ بارش کا پانی جس طرح سبزہ اگاتا ہے، ایسے ہی گانوں کی آوازیں، ڈیجوں کی آوازیں نفاق کو اگاتی ہیں، نفاق کو اور منافقت کو پیدا کرتی ہیں۔ جس چیز کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی ہو، آج ہمارے کچھ نادان بھائی اسی چیز کو دین سمجھ کر، محبت رسول سمجھ کر دھڑلے سے کرتے ہیں، اور پھر بدعت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان جلوس محمدی میں یا جشن عید میلاد النبی میں شریک لوگوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو عام دنوں میں اور خاص طور سے اس مبارک دن میں نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ بعضے تو وہ ہیں جو بالکل ادا ہی نہیں کرتے، پانچوں نمازیں ان کی غائب رہتی ہیں، اور خبریں یہاں تک ہیں کہ بعض مقامات پر باقاعدہ شرابیں پی پی کر جلوس محمدی میں شرکت کی گئی ہے، ہڑدنگ مچایا گیا ہے۔ تو بزرگان محترم، اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا اور محبت کا اصل معیار یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے، غم کی بات یہ ہے کہ لوگ شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور محبت رسول کا نام دیتے ہیں، محبت رسول کا اپنے ان کاموں کو عنوان دیتے ہیں۔ محبت رسول کا، عقیدت رسول کا اصل معیار، درست معیار، صحیح معیار وہی سمجھا جائے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، خود ارشاد فرمایا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع تھے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو دھوتے، ہاتھوں کو دھوتے، پاؤں کو دھوتے، اور آپ کے جسم مبارک سے لگ لگ کر گزر گزر کر جو پانی نیچے کو جاتا زمین کی طرف، تو آپ کے صحابہ اس پانی کو زمین، اس پانی کے ان قطرات کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اور پھر ان قطرات سے اپنے چہروں کو ملتے، ہاتھوں کو ملتے، اور دیگر اعضائے جسم پر اسے لگاتے تاکہ برکت حاصل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس چیز نے مجبور کیا ہے کہ تم پانی کے قطرات تک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے،
हाथों में ले लेते हो और अपने चेहरे पर, हाथों पर और दीगर आजाए जिस्म पर उसे लगाते हो, से मस कराते हो। तो सहाबा इकराम ने जवाब दिया, हुब्बुल्लाह व रसूलिही, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की मोहब्बत ने और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत ने हमें इस काम पर मजबूर किया है। आपसे हमें मोहब्बत ही ऐसी है कि हम चाहते हैं कि आपके जिस्म मुबारक से, जिस्म अथर से पानी का जो कतरा मस हो गया है वो जमीन पर ना जाए, वो हमारे हाथों में आए और हम उसे अपने जिस्म पर मल लें ताकि सआदतें हासिल हो, बरकतें हासिल हो। तो उस मौके पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ठीक है, तुम्हारे इन जज्बात की कदर है, लेकिन नबी से मोहब्बत का, अकीदत का असल पैमाना और असल मेयार ये नहीं है। अगर वाकईतन तुम नबी से अकीदत और मोहब्बत रखते हो तो फिर उसका मेयार ये है कि जब बोलो तो सच बोलो। नंबर दो, अमानतें अदा करो, अमीन बनकर जियो। अल्लाह ताला का कोई हक, बंदों का कोई हक जाए ना हो। अल्लाह के तमाम हुकूक को अदा करते रहो, अल्लाह के बंदों के तमाम हुकूक को अदा करते रहो। अमीन बनकर, अमानतदार बनकर जियो, जिंदगी गुजारो। अगर मुझसे अकीदत और मोहब्बत का तुम दम भरते हो तो एक तो सदाकत का, सच बोलने का तुम्हें अपने आप को आदि बनाना होगा। गीबत से, बदगोई से, बदकलामी से, फोहश कलामी से अपने आप को दूर रखना होगा। और नंबर दो, अमानतदार बनना होगा, बंदों के और बंदों के हुकूक को तलब करने के बजाय उन्हें अदा करना होगा। और तीसरे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पड़ोसी हैं, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, रिश्तेदार हो गैर रिश्तेदार हो, जो पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों के साथ हुस्ने सुलूक करना होगा। ये तीन बातें अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हजरत सहाबा किराम से इरशाद फरमाई थी। मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत के नाम पर नाजायज और हराम चीजों का इर्तिकाब कर लेने और उन हराम और नाजायज चीजों पर मोहब्बत रसूल का लेवल लगा लेने से आदमी मुहिब रसूल हरगिज नहीं करार दिया जाएगा। मुहिब रसूल तो उसी वक्त करार दिया जाएगा जब अल्लाह ताला ने और अल्लाह के हबीब ने जो मोहब्बत का और अकीदत का असल मेयार इरशाद फरमाया है, जब तक इस मेयार को आदमी अपनी अमली जिंदगी में अच्छी तरह जगह ना दे दे, वो दुनिया वालों की नजर में हो सकता है कि अपनी उल्टी सीधी हरकत और सकनात की वजह से नबी से मोहब्बत रखने वाला ख्याल कर भी लिया जाए, लेकिन अल्लाह के यहाँ और अल्लाह के रसूल के यहाँ ऐसे लोग हरगिज मुहिब रसूल करार नहीं दिए जाएंगे। और रोजे महशर जब इस तरह के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे तो फरिश्ते उन्हें आप अलैहिस्सलाम से दूर कर देंगे। नबी फरमाएंगे कि ये तो मेरे हैं, मेरी उम्मत के लोग हैं। तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कि ऐ नबी, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद, रहलत फरमा जाने के बाद दीन के नाम पर उन नई नई चीजों को वजूद बख्शा था, ईजाद किया था कि जिनकी शरीयत में, सुन्नत में कहीं से कहीं तक गुंजाइश नहीं थी। तो नबी भी फरमाएंगे, सोकन सोकन मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारा और तुम्हारी उन हरकत का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जो कुछ भी किया जाता है, हमें इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए, अपने हल्का अहबाब को बचाना चाहिए। और जो लोग वहां शामिल होते हैं, अगर हमारी कुदरत में हो, हमारे बस में हो, तो जबान से, फहमाइश से या किसी और तरीका कार को इस्तेमाल में लाकर हम उन्हें समझा सकते हो, उन्हें असल शरीयत सुन्नत बता सकते हो, तो हमें ये काम जरूर करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی سے محبت اور عقیدت کے جو جھوٹے پیمانے اور جھوٹے معیار بعض نادان دوستوں نے اپنا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے معیاروں سے ہمیں زندگی بھر دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔